ये मुंबई है मेरी जान। दोस्तों अंग्रेजों के टाइम का ये सारा का सारा, और ये स्टेशन है, ये भी बहुत पुराना है। आकृतियाँ क्या जबरदस्त जबरदस्त है इसमें, और लुक देखो आप एक बार। जैसे कि किसी फॉरेन में घूम रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। और रात को इसमें लाइट इतनी जबरदस्त लगती है ना, क्या बात है। और यह है शेर टाइगर, ये एंट्री पे लगी हुई है गेट की। ये आप ये देखो कितना पुराना है, ये देखो आप। दोस्तों गेट ऑफ इंडिया तक जाने के लिए मात्र यहाँ से किराया है 6 रुपये, और ये भी डबल टेकर का है। यह आपको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास से मिलेगी गेट ऑफ इंडिया, और जो पुराना ताज होटल है वो भी आप यहीं से इसी गाड़ी से बस से आप जा सकते हो। यहाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, जो आपको लेना चाहो यहाँ से मिल जाएगा आपको घूमने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, ये देखो आप भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इन बिल्डिंगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन में घूम रहे हैं, क्या मस्त है। हल्की हल्की बारिश चली हुई थी, अभी रुकी है, और वेदर मस्त है। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, कुछ नहीं पता मौसम का यहाँ के, और मज़ा आ रहा है बिल्कुल यहाँ घूमते हुए। ₹1815 की चर्च। अभी और भी कुछ है क्या क्या देखने को मिलेगा एक ही रूट पे। हेलो दोस्तों, कैसे सभी दोस्तों, अभी हूँ मैं मुंबई, और मुंबई में घूम रहा हूँ। आया था किसी काम से USA जाने के लिए, एम्बेसी में आया था मैं, और आपको दिखाऊंगा ग्रेट ऑफ गेट वे ऑफ मुंबई, ठीक है, आपको वो दिखाता हूँ मैं। अभी कुछ खा लेता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। एक बार पीछे का आपको व्यू दिख रहा होगा, अब एक बार व्यू चेक करो, और यहाँ का भी कुछ चेक करो आप। दोस्तों आप देख रहे हो सामने द गेट ऑफ इंडिया मुंबई। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जितना मैं देख सकूँ, उतने उससे ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश कर सकूँ, ऐसा चाहता हूँ मैं। और ये देख रहे हो आप सामने ताज। दोस्तों ये आ गया सामने समुद्र, और दूर दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इसका राइड भी चलता है नौकाओं का। इसका प्राइस क्या है देखूंगा, आगे पता चला तो आपको मैं बताऊंगा। और अभी यहाँ से भी एक रास्ता चलेगा दुबई के लिए, अभी उसके लिए भी मोदी जी ने कुछ किया है, ठीक है। दोस्तों आप सामने देख रहे हो ताज होटल, और यह है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये भी अद्भुत है, और दिल्ली वाला भी अद्भुत है, और सामने आप देख रहे हो ताज होटल, वो भी जबरदस्त है।
उसके बाद यहाँ से ये रूट चलता है, ये रूट चलता है, ये इसका प्राइस पूछते हैं, इसका क्या प्राइस है एक बार चेक करते हैं। अभी आगे जाके देखते हैं, ये भी बहुत पुराने टाइम का है यार, समुद्र की लहरें कैसे लग रही है, क्या जबरदस्त है यार यहाँ का भी, और मौसम यहाँ का ठीक है। अभी कुछ फोटो खिंचवा के अभी यहाँ से जा रहे हैं, पीछे एक बार देख लो ठीक है, और समुद्र की कैसे कैसे लहरें टकराती हैं एक बार वो भी कोशिश करते हैं हम देखने की, थोड़ा आगे जाके। और यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है हर समय, क्यों यहाँ देखने के लिए आते हैं ताज होटल को और इस गेट को जो मुंबई में है, और उसके आगे ही जैसे कि इसके आगे जाओगे तो थोड़ा समुद्र स्टार्ट हो जाता है ठीक है, और क्राउड हमेशा ऐसे ही रहती है यहाँ पर। दोस्तों ये देखो आप समुद्र कितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ऐसे मिलेगा। अभी पानी का बाव बिल्कुल शांत है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है, हल्की फुल्की लहरें उठ रही है, और क्या जबरदस्त है। दोस्तों अभी बैठे हैं डबल टेकर बस में, क्योंकि कल ऑडिट के चक्कर में जल्दी सब स्टाफ आ गया, और किचन में सचिन को बोल देना बराबर सामान रखने के लिए, और कम सामान डाल देना, नहीं डाल देना। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ तक की वीडियो बनाई है, और अभी जा रहे हैं हम स्टेशन पे। स्टेशन पे क्यों जा रहे हैं, कुछ काम है ठीक है, आए थे एयर में, जा रहे हैं स्टेशन से ठीक है, तो उसका भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा रहेगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है।